ऐसा क्या हुआ था जो इतने लागत में इस ब्रिज को बनाना पड़ा 1500 करोड़, 18 नवंबर 1997 को? गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग वीडियो में। मेरा नाम मोहम्मद अबरार सिद्दीकी। आप लोग गेस करना मैं कहाँ आया हूँ, और आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कहाँ का है। वैसे तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन बताना ज़रूर आप, ठीक है? आता है मज़ा इसको देखने में। ये देख रहे हैं आप, इसका जो स्ट्रक्चर जो दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल है ना नमस्ते की तरह दिया गया है। पर यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ऊंचाई से, यही है, यहीं से जो है ना अंदर जाना होता है। ये देखो आप, कितना बेहतरीन लुक आ रहा है एकदम बिल्कुल ही। मीनार से 2 गुना बड़ा है ये ब्रिज। और इसके बारे में और मैं आपको बताऊं कि ये 1500 करोड़ के लागत में बनी है ये, और इसको बनाने में काफ़ी 14 से 15 साल लग गए। सिग्नेचर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इंसान की पहचान जो होती है वो सिग्नेचर होती है। तो आई थिंक दिल्ली का पहचान आप समझ लो इस चीज़ को, कि आने वाले टाइम में जैसे कुतुब मीनार है, लाल किला है, और जो है क्या नाम है, बहुत सारी जगह है घूमने वाला, जामा मस्जिद है, इसी तरीके से यही सिग्नेचर ब्रिज भी जो है ना बन जाएगा। और जैसे इंडिया गेट पे लोग जो है ना जाते हैं फ़ोटो खिंचवाते हैं, जामा मस्जिद पर जाते हैं लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी शुरू तो हो चुका है, लेकिन जितना उधर है उतना अभी इधर नहीं है। ऐसा क्या हुआ था जो इतने लागत में इस ब्रिज को बनाना पड़ा 1500 करोड़? जो एशिया में ऐसा ब्रिज नहीं है, ठीक है, यही एक ब्रिज है। दूसरी बात, दुनिया के अंदर ये दूसरा ब्रिज माना जाता है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ।
18 नवंबर 1997 को बस के अंदर बहुत सारे स्कूल के बच्चे थे, ठीक है, और जो इसके साथ जो है ना हादसा हुआ और बहुत सारे लोग बच्चे जो है इसके अंदर मर गए थे। उनकी कुर्बानी ने ये रंग लाया कि इंडिया के अंदर ऐसा ब्रिज बना हो। अगर आप मेट्रो से आते हो तो अभी तो मेट्रो जो है यहाँ तक है, गोल चक्कर तक है। दिल्ली से कहीं से भी अगर आप आते हो इस एरिया के अलावा तो कश्मीरी गेट से वेलकम मेट्रो स्टेशन चेंज करके जो है मोचपुर आना है, और मोचपुर से फिर चेंज करके जो है ना आपको गोल चक्कर आना है, और आने वाले समय के अंदर गोल चक्कर से भी, ठीक है, मेट्रो जो है आपको मिल जाएगा। जिसका जो स्टॉपेज होगा, इसके पास में जो स्टॉपेज होगा वो पड़ेगा आपको खजूरी का मेट्रो स्टेशन जो है वो बहुत ही नज़दीक पड़ेगा आपको, ठीक है, और वहाँ से जो है आपको रिक्शा ले करके आना पड़ेगा। लेकिन अभी उधर के लिए अभी टाइम लगेगा, इनसे 2025 तक मान के चलो आप, या 2025 मान के चलो आप। लेकिन अभी जो है मेट्रो जो है आपको गोल चक्कर तक मिल जाएगा। गोल चक्कर से आप जो है ना ऑटो पकड़ के, रिक्शा पकड़ के आप जो है ना यहाँ तक आ सकते हो। तो बस से अगर आप आते हो तो बस का देखो कि कश्मीरी गेट से जो है ना ये पता कर लेना आप कि खजूरी कौन सा बस आता है, ठीक है, वहाँ से जो है खजूरी उतर जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बस का स्टॉप नहीं है। आपको खजूरी इसलिए उतरना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से आपको रिक्शा लेकर के, ऑटो लेकर के इधर आना पड़ेगा। आप अगर इस चैनल पर मेरे पहली बार हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसी बनी है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। अभी मैं आपको और नज़ारा कराता हूँ।